नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नाबालिग का अपहरण कर रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है, साथ ही लड़की भी मिल गई है। बता दें आरोपी हेमराज उर्फ हेमंत जांगड़े को पुलिस ने किया गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। ये पूरी घटना घुमका थाना क्षेत्र के ग्राम भटगांव की है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, तेज रफ्तार ट्रक ने बीएसपी कर्मी को कुचला, मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई स्टील प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक कर्मचारी का नाम आर कोटेश्वर राव है। वो भिलाई स्टील प्लांट के डीजल स्टोर डिपार्टमेंट में काम करते थे। बताया जा रहा है कि रोज की तरह कर्मचारी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी रोलिंग मिल गेट के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में कर्मचारी की गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुपैला सरकारी हॉस्पिटल की मर्चुरी में ही शव रखा हुआ है। इस हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में शोक की लहर छा गई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, दुर्लभ वन्य प्राणी शाही का शिकार करने गया था ग्रामीण, रहस्यमय ढंग से हुई मौत। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में दुर्लभ वन्य प्राणी शाही का शिकार करने गए ग्रामीण की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि गुफा में जहरीले पत्ते जलाने से मौत हुई होगी। घटना रमकोला थाना क्षेत्र के दुलदुला जंगल की है। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में ग्रामीण दुर्लभ वन्य प्राणी शाही का शिकार करने के लिए गया हुआ था। इस दौरान अज्ञात कारणों से उसकी मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि गुफा में जहरीले पत्ते जलाने से उसकी मौत हुई। डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, घर पर छुपाकर रखा था 35 किलो गांजा, पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव पुलिस ने 35 किलो गांजा समेत एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपने निर्माणाधीन घर में गांजे की खेप छिपाकर रखा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी और गांजे की बड़ी खेप को बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार पत्थलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बटूराक्षा में आरोपी शिवधर यादव अपने नवनिर्मित घर में 35 किलो मादक पदार्थ गांजा रखा था, जिसकी सूचना मुखबिर के द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी के घर दबिश देकर आरोपी को 35 किलो गांजा समेत गिरफ्तार कर लिया। जब्त गांजे की कीमत लगभग 5 लाख रुपये आंकी गई है। आपको बता दें कि उक्त आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी NDPS एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पत्थलगांव पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, शासकीय कॉलेजों में प्रयोगशाला परिचालक चौकीदार समेत कई पदों की भर्ती नए वर्ष में आचार संहिता हटने के बाद जारी होगी समय सारिणी। राज्य के शासकीय कॉलेजों में प्रयोगशाला परिचालक चौकीदारी भृत्य समेत अन्य पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों में भर्ती के लिए आचार संहिता हटने के बाद समय सारिणी जारी की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि भर्ती परीक्षा नए वर्ष में होगी। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए पिछले दिनों पाठ्यक्रम जारी किए जा चुके हैं। जारी पाठ्यक्रम के मुताबिक लिखित परीक्षा कुल 100 नंबर की होगी। इसमें 60 नंबर के सवाल CG बोर्ड 9वीं और 10वीं के सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि 40 नंबर के प्रश्न भारत देश से संबंधित सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना, स्थानीय सरकार और पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन और भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाओं से पूछे जाएंगे। प्रयोगशाला परिचारक भृत्य चौकीदार और स्वीपर के 880 पदों पर भर्ती होना है। इन पदों पर भर्ती के लिए पिछले दिनों आवेदन मंगाए गए थे। परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं है। इसमें प्रयोगशाला परिचारक के सबसे ज्यादा 430 पद, भृत्य के 210 पद, चौकीदार के 210 और स्वीपर के 30 पद शामिल है।
जानकारी के मुताबिक भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के पद पर भर्ती के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इनमें भी 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छठ मनाकर घर लौटे युवक की हत्या। भिलाई में पुरानी रंजिश के चलते कटर से गला काटा, वारदात के बाद लोगों में गुस्सा। दुर्ग जिले के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में छठ मनाकर लौटे 23 वर्षीय विजय पासवान की उसके पड़ोसी भूषण साहू ने हत्या कर दी। विजय रविवार शाम को छठ मनाकर घर लौटा था। इसके बाद वो कबीर मंदिर जैतखम के पास टहलने गया था। इसी दौरान भूषण ने कटर से उसका गला काट दिया और भाग निकला। जानकारी के मुताबिक विजय पासवान अपने बड़े भाई प्रकाश पासवान के साथ ठेका मजदूरी करता था। उसके के घर के पास ही आरोपी भूषण साहू भी रहता है। भूषण नशे का आदि है और अपराधी किस्म का है। बताया जा रहा है कि भूषण और विजय के बीच पुरानी रंजिश थी। इसी बात को लेकर वो उसकी हत्या का प्लान बनाकर बैठा था। रविवार रात 9 बजे के करीब उसने विजय को अकेला घूमता देखा और कटर से उसका गला काट दिया। गला कटते ही विजय लहूलुहान होकर गिर गया। परिजन उसे फौरन अस्पताल लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हत्या के बाद से खुर्सीपार क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। लोगों में काफी गुस्सा है। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, व्यापारी के घर घुसा विशालकाय अजगर, मचा हड़कंप। देखिए वीडियो। कोरबा जिले में लगातार सांप निकलने का सिलसिला जारी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर सांप निकलने के कारण लोगों में डर बना रहता है। ताजा मामला आज सीतामढ़ी के एक व्यापारी के घर देखने को मिला, जहां विशालकाय अजगर देखने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी के बोरा व्यापारी के घर में काम करते वक्त घर वालों की नजर बोरे के ऊपर बैठे एक विशालकाय 8 फीट के अजगर पर पड़ी। इसके फौरन बाद इसकी जानकारी वन विभाग के स्नेक कैचर को दी गई। मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने सावधानी से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। इस दौरान अजगर गुस्से से लगातार स्नेक कैचर को काटने का प्रयास करता रहा, फिर भी उसे नहीं छोड़ा और आखिरकार अजगर को बोरे में डालने में कामयाब हुए। इसके बाद घर वालों ने राहत भरी सांस ली। फिर अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सीएम पद को लेकर टीएस सिंहदेव का बयान, पीसीसी चीफ बैज बोले वो बड़े लीडर है उनका। रायपुर टीएस बाबा के सीएम बनने के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। बैज ने कहा, वो बयान हमारे वरिष्ठ नेता का व्यक्तिगत है, भाजपा को मुद्दा चाहिए, वो बड़े लीडर, उनका सोचना कहना छत्तीसगढ़ के लिए मायने रखता है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, 2 दिनों तक समीक्षा हुई, प्रत्याशियों से चर्चा हुई, पार्टी ने बेहतर चुनाव लड़ा है। 2023 में कांग्रेस फिर से सरकार बना रही है, छत्तीसगढ़ में 75+ सीटों पर जीत कर आएंगे। समीक्षा बैठक पर हुई शिकायतों को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, कुछ शिकायतें आई, कुछ प्रत्याशियों जिलाध्यक्षों ने शिकायत की है, शिकायतों को पार्टी ने गंभीरता से लिया है, शिकायतों का परीक्षण कराएंगे, कुछ गलत होगा तो कार्रवाई होगी।